वेलकम टू आनंद ऑटोटेक एंड कलीमीटर वर्क करोल बाग दिल्ली। आज हम आपको बताएंगे वीएक्स डाइक के बारे में। तो ये वीएक्स डाइक जो है कितनी कंपनियों को सपोर्ट करता है और इसके अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल रहे हैं कौन से ओरिजिनल है, कौन से डुप्लीकेट है, प्राइस में कहीं पे फर्क रहता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है, कहीं पे कम रहता है। कुछ लोगों के सवाल थे, कुछ लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर दो टाइप की डिवाइस आती है, एक आता है ग्रीन वाला, एक आता है ऑरेंज वाला। तो इसके अंदर मैं आपको दोनों ही डिवाइस का अनबॉक्सिंग तो आपको मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फर्क क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये मेरे पास दो डिवाइस है, ठीक है। ये जो है ये डिवाइस, ये भी वीएक्स डाइक कंपनी के, ये भी वीएक्स डाइक कंपनी के। ये जो डिवाइस है ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी की, मतलब के ये चलती है अपने इंडियन गाड़ियों में, टाटा महिंद्रा को सपोर्ट करती है और ये भी अपने टाटा महिंद्रा को सपोर्ट करती है। लेकिन ये डिवाइस जो है वॉक्सवैगन वीडब्ल्यू ग्रुप का जो है ऑडी वॉक्सवैगन स्कोडा वो सॉफ्टवेयर के साथ मेरे पास अवेलेबल है। तो ये जो VCX है ये डॉइव है, मतलब कि ये अभी तक की लेटेस्ट डिवाइस है। तो ये 2023 तक की सारी गाड़ियों में काम करती है। ये जो VW के अंदर है ये डॉइव नहीं है, तो ये 2020-21 तक ही काम करेगी, वहाँ पे रुक जाएगी। अब रही बात इंडियन गाड़ियों में कैसे काम करेगी, तो इंडियन गाड़ियों में भी सेम काम करेगी अपने यहाँ 2023 तक, ये दोनों ही काम करती है। क्योंकि अपने अभी तक कोई भी कंपनी में इतने बड़े प्रोटोकॉल नहीं आए FD वाले के, जो इससे कि आपको डॉइव की ज़रूरत पड़े। तो ये दोनों ही डिवाइस काम करती है टाटा महिंद्रा के अंदर, दोनों ही काम अच्छा करती है। ये थोड़ा फास्ट काम करती है, थोड़ा स्लो काम करती है, लेकिन इतना स्लो इतना फास्ट नहीं है कि भाई दो दो घंटे रुकना पड़े, नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको ही पता चलेगा। अब इसके अंदर आपको कौन से सॉफ्टवेयर सपोर्ट है और कौन से आपको लेना, तो ये एक ही डिवाइस के अंदर ये अभी तक की लेटेस्ट डिवाइस आप देख रहे हैं ना, कितना स्टॉक है ना, बहुत स्टॉक है ये। तो अभी जितना आया उतना टेबल पे आया उतना मैंने रख दिया, बाकी बहुत है, जितने पीस चाहिए उतने मिल जाएंगे। ये जो डिवाइस है इसके साथ आप VW का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, आज तक का सारा काम करेगा। जो कि 5054 है वो कंपनी ने बंद कर दिया है, 6154 आता था वो भी VX डाइक कंपनी का ही निकाला हुआ था, लेकिन वो हार्डवेयर अलग था। अब कंपनी ने इसको VCX ऐसी कर दिया, 6154 बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप ये डिवाइस परचेस करेंगे तो इसके अंदर एप्लीकेशन में जाएंगे VX मैनेजर के अंदर, तो इसका नाम VX अपना 6154 ही हार्डवेयर है और ये डॉइप है, ताकि ये आपको अभी तक की जितनी भी जो है लग्जरियस गाड़ियाँ जर्मन ये इस पर आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर आप मर्सिडीज का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, BMW का सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, वॉल्वो का चला सकता है, फोर्से का चला सकते हैं, रेनॉल्ट का नहीं चलेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको और टोयोटा होंडा और बहुत सारी गाड़ियां हैं मार्केट के अंदर, इसका आप सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लेकिन लाइसेंस अलग से परचेस करना पड़ेगा। अगर आपको फुल लाइसेंस के साथ चाहिए तो भी मिल जाएगा, मर्सिडीज के लाइसेंस के साथ चाहिए तो भी मिल जाएगा। जेगुआर का भी इसके अंदर काम होगा, जेगुआर का 2023 तक की गाड़ी में स्कैनिंग प्रोग्रामिंग काम कर सकते हैं, लेकिन इतना काम नहीं होगा, 80% काम होगा, 89-100% तो कोई डिवाइस नहीं है जेगुआर के अंदर ये, ताकि वो प्रोग्रामिंग कर दे। उसके लिए बाद में बहुत सारे बड़े बड़े टूल है जो $5,000-6,000 के आते हैं, वो लेने पड़ेंगे जेगुआर के अंदर काम करने के लिए। और आपको इसके अंदर जेगुआर के लाइसेंस के साथ चाहिए तो जेगुआर के लाइसेंस के साथ भी मिल जाएगा, BM के लाइसेंस के साथ चाहिए तो BM के लाइसेंस के साथ भी मिल जाएगा। जो लाइसेंस चाहिए आप उसके साथ आप मंगा के ले सकते हो। अब रही बात इसकी, तो इसके अंदर भी आप सारे सॉफ्टवेयर खुलवा सकते हो, लाइसेंस खुलवा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि ये 2020-21 तक का ही काम करेगा। अब रही बात महिंद्रा टाटा की, तो आज हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत ही सस्ते में मिल रहा है महिंद्रा टाटा सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के दे रहे लोग। महिंद्रा का एक बात आप जितने भी लोग हैं, अब मैं आपको बता देता हूँ, महिंद्रा के जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में मिल रहे हैं ना, वो सारे क्रैक वर्जन है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल कोई नहीं है। मतलब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को कंपनी से कुछ इंजीनियरों ने क्रैक किया है और वही लोग सेल कर रहे हैं, जैसे हमारे जैसे सेलर है वही मिलता है। लोग बोलते हैं महिंद्रा का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं, ओरिजिनल है लेकिन क्रैक है, ठीक है। बोलने का एक नजरिया होता है, एक
जो है बताना पड़ता है कस्टमर को, ताकि अगर ओरिजिनल रहता है तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट आता रहता है, आपको हर बार पैसे देने पड़ेंगे। अब कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में बग्स आ जाएंगे, तो आपने इंस्टॉल किया तो उसके बाद भी अगर 8 दिन में भी अपडेट आया तो 8 दिन के बाद भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन मिल रहा है आपको जितना भी मार्केट में है, ठीक है। अब रही बात टाटा में, तो टाटा में भी सेम है, जिसका 99 डेज वाला है वो सारे टाटा के डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है, वो क्रैक किए हुए सॉफ्टवेयर है। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो कंपनी के अलग है, जो हमारे पास मिल जाएंगे आपको टाटा के सारे ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको ऑटोमेटिक अपडेट मिलेगा। जब तक कंपनी आपके लैपटॉप में अपडेट छोड़ेगी तब तक आपको अपडेट आता रहेगा। बहुत सारे लोगों ने लिया है, चला रहे हैं, उसको ऑटोमेटिक अपडेट भी आ रहा है। कुछ कुछ टाटा के सॉफ्टवेयर तो ऑनलाइन नेट पे जाके भी काम करते हैं, अगर नेट चालू नहीं है तो काम नहीं कर। जो टाटा के सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं अभी मार्केट में ये डिवाइस के साथ जो डाल के दे रहे 99 डेज है, वो सारे क्रैक सॉफ्टवेयर है, उसका अपडेट नहीं आएगा। नया अपडेट चाहिए तो नया पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उससे अच्छा कि आप ओरिजिनल वाला सॉफ्टवेयर डलवाए, ऐसा नहीं बोल रहा होगा हमारे से डलवाए, जो भी बंदे से आप ले रहे हैं, जहाँ से भी आप परचेस कर रहे हैं वहाँ से आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ले टाटा का, क्योंकि टाटा का क्रैक सॉफ्टवेयर क्यों लेना जबकि वो मिल रहा है आपको अच्छे प्राइस में, और वही प्राइस में मिल रहा है तो डुप्लीकेट क्यों सॉफ्टवेयर डलवा रहे। महिंद्रा के अंदर आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर कोई नहीं दे सकता, वही लेना पड़ेगा जो 99 डेज वाला है, चाहे आप iSecure लो, iFlash लो या iSmart लो, ठीक है। बाकी जो सॉफ्टवेयर है iFlash अपना सॉरी EDC 1755 ने बोले रखे जो सेटअप है वो सारे ओरिजिनल है, उसमें कंपनी उसमें कोई क्रैक नहीं आते। लेकिन जितने भी है ये 3 सॉफ्टवेयर है iSecure, iFlash, iSmart, ये सारे क्रैक सॉफ्टवेयर है, कंपनी बोले जाते हैं ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेकिन क्रैक है, उसको क्रैक करके लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको ओरिजिनल कोई सॉफ्टवेयर नहीं दे रहा है, जो कि आप दोनों डिवाइस के साथ चला सकते हैं महिंद्रा के अंदर, और अच्छा काम भी करता है। अब लोग पूछ रहे हैं कि महिंद्रा का चावी का प्रोग्रामिंग होगा या नहीं होगा, फ्लैशिंग होगा, डोजिंग होगा, कैलिब्रेशन होगा, क्या क्या पूछ रहे हैं लोग। और कुछ लोग पूछ रहे हैं एयरबैग रिसेट, तो महिंद्रा के बहुत सारे मॉड्यूल जो है वो iFlash से रिसेट हो जाते हैं, आपको कोई क्लियर क्रैश करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन कुछ मॉड्यूल जो रहते हैं वो आपको नहीं होगा, जो इसको आपको डेटा चाहिए, जो कि आप कोई भी दूसरा डेटा उठा के उसमें से EEPROM निकाल के या MCU निकाल के जो नया मॉड्यूल है उससे आप डाल के भी आप उसको क्लियर क्रैश कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई दूसरा प्रोग्रामर लेने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि भाई हम कौन सा ले कौन सा ना ले, बेस्ट तो जो है महिंद्रा के अंदर काम करने के लिए वो आते हैं ओरिजिनल गरुड़ा 2, और टाटा के अंदर भी आता है VConnect जिसको गरुड़ा 2 ही बोलते हैं, लेकिन कंपनी में कोल्ड बाय VConnect को इसको बोलते हैं जो VConnect वो है गरुड़ा 2। वो दोनों ही डिवाइस जो है अभी नहीं मिल रही है, ठीक है। वो कंपनी की OEM डिवाइस है गरुड़ा 2 और VConnect, वो सेम ही है कि नाम, वही बेस्ट और परफेक्ट काम आपको दे सकता है टाटा और महिंद्रा के अंदर। अब जो भाई भी महिंद्रा लेगा सॉफ्टवेयर तो सारा ही काम होगा लेकिन अपडेट नहीं आएगा, कोई भी बग्स रहेगा, आपका काम नहीं बनेगा, तो आपको नया अपडेट लेना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, कोई भी सेलर आपको फ्री में नहीं देगा। इतना मेरे भाई आप सब लोग दिमाग में डाल दो। अगर कोई एरर है, रीजनरेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, तो आपको नया iFlash डलवाना पड़ेगा और आपको नया iSmart भी डलवाना पड़ेगा। हो सकता है वो होने के बाद आपका काम ना हो तो फिर आपको और आगे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी अपडेट क्यों देती है, यही बग्स जो रहते हैं वही आगे कंपनी निकाल के जो अपडेट देती है वो आपको लेने पड़ेंगे। हाँ आप भाई आप लोग पूछ रहे हैं दोनों से फ्लैशिंग होगा कि नहीं, सारे मॉड्यूल फ्लैश कर सकते हैं आप, क्रैक सॉफ्टवेयर भले ही हो आपको सारे मॉड्यूल क्रैश कर सकते हैं, कुछ हद तक आपको हो सकता है कि ना हो, ये दोनों डिवाइस का एक लिमिट है वहां तक वो काम करेंगे। और आप बोलोगे iSecure है तो उससे हम चाबियां बना सकते हैं, हाँ भाई आप पूरी चाबियां बना सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं, लॉस की एड की सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे कंपनी में काम होगा वैसे कर सकते हैं, उसके आपका कंपनी के पास ID पासवर्ड होना चाहिए, वो हम आपको नहीं दे सकते ना हम अभी काम कर रहे हैं। चाबी का कोई भी हमें कोई भी प्रश्न या सवाल हमसे ना करें, क्योंकि चाबी के कोई भी टूल हम नहीं सेल कर रहे, जो भी कंपनी ब्रांडेड है अपने इंडिया के अंदर वो लोग चाबी के टूल सेल कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस है, जो डॉक्यूमेंट देने वो आपको देके वहाँ से चाबी के टूल आपको लेने पड़ेंगे, जो भी काम करना है आपको चाबी के लिए। चाबी के लिए सब टूल आप देख रहे हो तो आपके लिए ये गलत हो जाएगा, आप कोई भी अच्छा मार्केट से टूल परचेस कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां सेल कर रही है, वो अपने डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराने हैं तभी आपको वो टूल मिलेगा और उसकी जो कंडीशन है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रही बात एक ओपन पोर्ट की, तो ओपन पोर्ट में अभी लोग जो महिंद्रा और आपको जो ये दे रहे हैं अपना टाटा का सॉफ्टवेयर डाल के दे रहे तो वो 50 से 60% ही काम कर रहा है, इससे ज़्यादा आपका आगे काम नहीं होगा।
तो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओपन पोर्ट ना ले, जिसका बजट नहीं है ओपन पोर्ट ले, जिसका थोड़ा बजट है तो उससे थोड़ा थोड़ा पैसे ज्यादा है लेकिन आप ये टूल परचेस करें ताकि आपका अच्छा काम हो, रुके ना। ये एक ओपन पोर्ट टू है, वो भी एक पास थ्रू डिवाइस है, ये भी दोनों के अंदर J2534 प्रोटोकॉल है, इसलिए महिंद्रा टाटा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर भी ओपन पोर्ट के अंदर भी आप सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, आप रेनॉल्ट के भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, ऑडिस भी चला सकते हैं, मर्सिडीज बीएम सारे सॉफ्टवेयर, जेगुआर एसएसडी सब चला सकते हैं, टाटा महिंद्रा सब कुछ सारे सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, जो कि अभी आप हमारी चैनल पे भी देखे आगे और भी आपने हमने डिवाइस देखे केटीएम पीसीएम फ्लैश पीसीएम जितने भी J2534 डिवाइस है उससे आप चला सकते हैं, लेकिन एक हद तक वो काम करेगा, ओपन पोर्ट है 50% के 60% काम करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये जो मैं आपको जो डिवाइस दिखा रहा हूँ ये 80% काम करेगा, और जो ब्रांड है टाटा और महिंद्रा का जो ब्रांड OEM टूल्स है गरुड़ा, जिसको लोग बोलते हैं वी कनेक्ट टाटा के अंदर और महिंद्रा के अंदर गरुड़ा टू बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको 95 से 99% आपको काम मिलेगा, क्योंकि वो एक स्पेशली हार्डवेयर है जो कंपनी ने उसके लिए डिजाइन किया है। ये तो हम जो अभी चला रहे हैं, हम मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सब जो भी है J2534 डिवाइस है जिससे लोग आप काम कर रहे हैं और चला रहे हैं। तो ये था छोटी जो आपको जानकारी देना चाहता था, और अगर आप डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आपको सेलर दे रहा है, आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई हमें ओरिजिनल सॉफ्टवेयर दे ताकि आपका काम रुके ना। अगर आप खुद जानते हैं और आप ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं जानते और आपको जो सेलर है वो दे रहा है तो वो गलत बात है, वो ऐसा ना करें। सेलर भी सो भी जो भी सेलर है उस क्लियर बोल के काम करे ताकि कस्टमर और अपने बीच में रिलेशन खराब ना हो। अब बहुत सारे नए नए स्कीम्स है, बहुत सारे नए नए प्राइस है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइस में टूल्स मिलेंगे और ओपन रेट आ जाएगा मार्केट के अंदर, सारे टूल्स के लिए ओपन रेट आ जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदा है। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएगा ताकि आपको नई नई वीडियो नए नए टूल्स मिलेंगे, ताकि आपको जल्दी से आपको फायदा ले सकते हैं, ताकि स्कीम रहती है कभी थोड़े दिनों के लिए रहती है कभी चलती ही रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई डिवाइस और एक नए टूल के साथ। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।